बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेसप या HACCP भी इसको कहते हैं। HACCP स्टैंड्स फॉर हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हेसप इज़ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम विच कॉन्सनट्रेट्स प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज ऑन नॉन हैजर्ड and risk of them occurring at specific points in the food chain। ये specifically effective एक approach है जो हम apply करते हैं food chain के अंदर processing industries में, जिसमें हम different points में hazard को identify करते हैं और फिर उसको accordingly हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा फूड जो है वो स्पॉइलेज की तरफ जाने से पहले ही हम डिफरेंट पॉइंट्स पे उसको सेव कर सकें। हेसप सिस्टम जो है ये बेसिकली 7 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। फर्स्ट वन, कंडक्ट अ हैजर्ड एनालिसिस। हेसप टीम आइडेंटिफाई करती है तमाम हैजर्ड को जो कि डिफरेंट पॉइंट्स पर अकर हो सकते हैं किसी भी स्टेप में, जिसमें प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, मैन्युफैक्चर या डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इन हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करके इनको एलिमिनेट करते हैं या इनको रिड्यूस कर देते हैं एक्सेप्टेबल लेवल तक, ताकि फूड जो है वो सेफ रहे। सेकंड प्रिंसिपल इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, CCPs। ये वो स्टेप्स हैं जहाँ पर हम कंट्रोल को अप्लाई कर सकते हैं और ये एसेंशियल होते हैं फूड सेफ्टी हैज़र्ड को एलिमिनेट या उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करने के लिए। थर्ड हमारा प्रिंसिपल है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिटिकल लिमिट्स एज अ क्राइटेरिया। ये सेपरेट करता है एक्सेप्टेबिलिटी को फ्रॉम अनएक्सेप्टेबिलिटी। एक क्रिटिकल लिमिट जो है ये रिप्रेजेंट करता है बाउंड्रीज़ को, जिसमें जज किया जाता है कि कोई ऑपरेशन जो है वो सेफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। तो हम क्रिटिकल लिमिट्स जो है वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं। फोर्थ वन जो प्रिंसिपल है हेसप का, वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिस्टम विच मॉनिटर द CCPs। This is in order to allow adjustment of process, preventing loss of its control। हम प्रोसेस को एडजस्ट करते हैं और हम उसको थ्रू कंट्रोल कोशिश करते हैं कि फूड का लॉस जो है वो कम से कम हो। फिफ्थ वन प्रिंसिपल इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कुरेक्टिव एक्शन। द कुरेक्टिव एक्शन टू बी टेकन व्हेन मॉनिटरिंग इंडिकेट्स दैट पर्टिकुलर CCP इज़ अंडर कंट्रोल और नॉट। मतलब ये वो प्रोसीजर है जो कि इन प्लेस अप्लाई किया जाता है आइडेंटिफाई, आइसोलेट या इवेल्युएट करने के लिए प्रोडक्ट्स को जब क्रिटिकल लिमिट्स जो हैं वो एक्सीड कर जाएं। सिक्स वन प्रिंसिपल है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। ये कन्फर्म करता है कि हेसप सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है और प्रोड्यूसर को अलाउ करता है कि वो कंट्रोल मेजर्स की चैलेंज को आइडेंटिफाई कर सके या उसको वो फेस कर सके। सेवन एंड लास्ट वन प्रिंसिपल इज एस्टेब्लिशमेंट डॉक्यूमेंटेशन। इट कंसर्न ऑल प्रोसीजर्स रिकॉर्ड्स अप्रोप्रिएट टू दीज प्रिंसिपल एंड देयर एप्लीकेशन। मतलब जो पिछले मैंने आपको 6 रूल्स या प्रिंसिपल्स बताए, ये उन तमाम को रिकॉर्ड करता है, उनके प्रिंसिपल्स को कहाँ कहाँ क्या अप्लाई किया गया, ये उन तमाम का एक्चुअली रिकॉर्ड होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक HACCP। काइंडली अगर कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग देन यू मे आस्क। थैंक यू।